press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. हाँ बेटा, उसकी छुट्टियाँ तो दो चार रोज पहले हो गई हैं। इस बार घर चलो बेटी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या है? अरे तू घर तो चल और देख तेरे डैडी ने कितना ब्यूटीफुल वॉलपेपर लगवाया है। बाबा भी सुखन्ना, बाबा आए। डैडी, yeah? आपने लेटर में लिखा था कि नया घर समंदर के किनारे है। मेरा कमरा अच्छा है ना? Yes, darling, you'll love it when you see it. Come on. What's the matter, my child? Nothing at all, mother. तुम्हारी मम्मी नहीं आई अभी तक? आती ही होंगी. मम्मी बहुत बिजी रहती है मदर. इतना बड़ा बिजनेस वो अकेली संभालती है. उनका बस चले तो एक मिनट भी अलग न रहे मुझसे. मेरी मम्मी दुनिया की मोस्ट वंडरफुल मम्मी है मदर. मम्मी आ गई मदर. मम्मी मैं नहीं बोलती आपसे, आप बहुत खराब मम्मी हैं. अरे और अभी अभी मुझसे कह रही थी कि मेरी मम्मी दुनिया की मोस्ट वंडरफुल मम्मी है. तो तू यहाँ बैठी है, अब के हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तूने साउथ देखा नहीं है ना, तो अब के हम लोग यहाँ से सीधे केरला जा रहे हैं. बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ से सीधे घर चल रहे हैं. हर साल अब घर चलने का वादा करके मुकर जाते हैं. मैं नहीं जाती केरला वेरला. अगर तू चाहती है कि मुझे तेरे साथ जरा सा भी वक्त ना मिले तो ठीक है, घर ही चलते हैं. वक्त क्यों नहीं मिलेगा? वक्त कोई शक्कर या दवा है जो बाजार से गायब हो जाए? देख अंजलि, मेरी बात सुन. मैं रोज 13-14 घंटे काम करती हूँ, सुबह से शाम तक बस काम काम और काम. तू अगर घर चलेगी तो मैं तो इसी काम के चक्कर में गिरफ्तार रहूंगी और तेरे साथ बस घंटा आधा घंटा गुजारने को मिलेगा, और उसमें भी कभी टेलीफोन कभी टेलेक्स. मैं चाहती हूँ तेरी छुट्टियों का एक एक पल तेरे साथ गुजारूं. मेरी जिंदगी की खुशबू भी तू है और रोशनी भी तू. अब बोलो कहाँ चलना है, घर या केरला? केरला. Thank you.
बाय बाय। बहुत दूर ना जाना और संभाल के चलना। छोटी सी और घोड़ा चुना इतना बड़ा। चलो नीचे उतर कमान। बिल्कुल सही है घोड़ा, अब ले लीजिए आइए। इजी इजी इजी, लेट द लेडी क्लाइंब। थैंक यू। आप भी कमाल कर रही हैं, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, आखिर फर्ज भी तो कोई चीज होता है ना। अब यह तो हो नहीं सकता है कि आपका घोड़ा आलिफ हो रहा और मैं खड़े खड़े तमाशा देखता चला जा रहा हूं। नॉट मी, नॉट लॉर्ड कवर आनंद सिंह। लॉर्ड है आप? अन पर्सन, यस, सर से पांव तक। मेरे दादा साहब बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, फिर गवर्नमेंट ने लैंड ले ली थी और हम सिर्फ लॉर्ड रह गए। जोक पसंद नहीं है? आपका नाम कुसुम रानी होना चाहिए। जी नहीं। अच्छा, तो फिर आशा मल्होत्रा होना चाहिए। जी नहीं, मैं मल्होत्रा नहीं हूँ। आशा तो है, आपका नाम यही काफी है मुझे आपसे मिलकर। देखिए, मैं आशा भी नहीं। निराशा तो आपका नाम हो नहीं सकता। खैर, नाम की बात छोड़िए, को दूसरी बात करते हैं। आप ऊटी में पढ़ती हैं? मेरी मम्मी कहती है स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो कम बात कीजिए। कौन कहता है ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है? अगली मुलाकात में जब मैं स्ट्रेंजर नहीं रहूंगा तब तो आप बोलेंगी ना। आज मैं बोलता हूं, सुनने से तो मना नहीं किया ना मम्मी ने। देखिए, मुझे अब वापस जाना है। अरे जरा सुनिए, नाम तो गैस कर लूं। जोक सुनकर हंसी भी नहीं, नाम भी नहीं बताया। मम्मी, ओह मम्मी, हैड अ लवली टाइम। रहने दे ये लप्पू छप्पू, मेरा तो हॉल के मारे दम निकला जा रहा था। मम्मी, ये घोड़ा तो बड़ा ही नॉटी निकला। थोड़ी देर तक तो बिल्कुल ठीक गया, फिर लगा हाथ पांव निकालने और एक जगह तो बिल्कुल अप हो गया। फिर जैसे कहानियों में होता है, घोड़े पर एक नौजवान आया और उसने मुझे गिरने से बचा लिया। कौन था वो? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मम्मी, अगर आपने मुझे स्ट्रेंजर से बात करने को मना न किया होता तो बहुत गप लड़ाती उससे। बोला, आपका नाम कुसुम रानी होगा? मैंने कहा नहीं। तो बोला, आशा मल्होत्रा होगा? मैंने कहा नहीं। होगा कोई बदतमीज? नहीं मम्मी, उसने मुझसे कोई बदतमीजी थोड़ी की, बस बोलता बहुत है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है। आनंद नाम है। आनंद? अच्छा, अब चलो चलते हैं।
मेरे लिए अच्छा जरूर भेजना। अभी ना अच्छा हो। याद है ना क्या कहा था मैंने? बाय बाय बाय। ये केरला, ऊटी, दार्जिलिंग सब बहुत अच्छी जगह है मम्मी, पर अगली छुट्टी में मुझे घर ले चलिए ना प्लीज। तुझे घर से दूर रखते हुए मुझे खुशी थोड़ी होती है बेटा। मगर मगर क्या? इसी एक शब्द ने तो जिंदगी के गले में फांसी डाल रखी है। लेकिन मैं वादा करती हूँ एक दिन तुझे जरूर घर ले जाऊंगी। मम्मी अब कभी घर ले चलने को नहीं कहूंगी, चुपचाप उस दिन का इंतजार करूंगी। कहिए तो इंतजार भी ना करूं, मुझे घर नहीं अपनी मम्मी चाहिए और मुझे भी अपनी अंजलि ही चाहिए। मैं चाहती हूं तेरी आंखों में इतनी मुस्कुराहटें भर दूं कि इनमें आंसुओं के लिए जगह ही ना रहे। तुझे खूब पढ़ाऊं, फिर एक अच्छा सा वर तलाश करूं और जब बाबुल गाया जाए तो खूब रोऊं। अंजलि, भगवान ने दो ही आंखें दी हैं, कम पड़ जाती हैं तेरे सपनों के लिए। अब तू जा, तुझे अंदर जाता हुआ देखूंगी और फिर चली जाऊंगी। मैं तेरी तरफ जब ये यहां कैसे? तुम इसका पीछा करो, मैं बॉस को फोन करके आता हूं। जो को चलना है ड्राइवर ने पेंसिल रोड चलो। छतंकी भाई लाकड़िया के ढाई लाख, अगर अगले पीर तक अदा न हुए तो रेस नगद खेलनी होगी, और नगद जेब में तो कुछ है नहीं। 10-20 रुपए कॉपर डस्ट पर लगाना तो आपकी तौहीन है। सारे रेस कोर्स में उड़ जाएगी कि सुल्तान भाई खुखल हो गए। मल्टी कलर क्वीन तो फेवरेट है, लेकिन मुझे मार्कंडे जॉकी के साले ने बताया मल्टी कलर क्वीन इस बार खींच रही है और कॉपर डस्ट है आउटसाइडर। 20 का भाव तो होगा। छटंकी भाई लाकड़िया के पैसे अदा हो जाएं तो
तो 2.5 लाख हम कॉपर 10 पर लगा दे तो 50 लाख खड़े हो जाए। अजय डरी भी नहीं लल्ली? डरूं क्यों, जानती हूं आपका निशाना अच्छा है, जब मारना चाहेंगे तभी लगेगा। और अभी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि आपको मुझसे कोई काम है। कैसे हैं घबराहट लाल जी? अरे आजकल तो कहते हुए भी डर लगता है कि हाल अच्छा है, सरकार फौरन पूछ कर शुरू कर देगी। चुप बे, अब 15 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जा। जय बोला ये चक्कू घुंघोल दूंगा तेरे पेट में। लल्ली बात यो हो कि मैं बहुत मुश्किल में फंस गयो। वो तो फंसना ही था, मल्टी कलर। सुहेल इसको मुंह बंद कर दे। तुम मो कह रहा था? मो क्या कह रहा था? मो कह रहा था मैं बड़ी मुश्किल में फंस गयो हूँ। छोटी मुश्किल में तो आप फंस भी नहीं सकते सुल्तान भाई, हेल्थ बहुत ज्यादा बनी हुई है ना। अरे वाह, ये हुआ ना कुछ मजाक। जी खुश हो गयो। अकबर जी मेरो डंडो। और सुन, पूरन मलकने से जाके 1 किलो रबड़ी लिया। इतने दिन बाद लल्ली से मुलाकात हुई है, जरा मुंह मीठा किया जाए। रबड़ी मंगवाने का मतलब तो ये हुआ कि आपकी परेशानी सचमुच बहुत बड़ी है। यही तो बात है लल्ली, वो साला छटंकी भाई लाकड़ी हो दून की ले रहे हो। साले के एक हाथ मार दूं तो इसकी मुंडी गली गली भीख मांग तो फिरे, पर मारूं तो कैसे मारूं? ओके 2.5 लाख रुपए अदा करना है मैंने, अगली रेस के टिप्स भी आ गए हैं। 2.5 लाख लगाऊंगो तो 50 लाख पाऊंगो। इसके बाद आगरा जाको ताजमहल की छाव में लेट को अल्लाह अल्लाह करूंगो बस। ये बात आप हर शनिचार को कहते हैं और हर इतवार को रेस हार जाते हैं। खुदाई कसम ये आखिरी चाने से लल्ली, बस इसके बाद तो अल्लाह ही अल्लाह है। अब कान खोल के सुन ले, नवाब जाफर अली खान लखनऊ का एक चिड़ी मार है, इसके पास एक चंदन हार है। यो हार वो की सगर दादी को मलका मुमताज महल आगरे वाली ने अपने शाही हाथों से दियो थो, वो भी अपने शाही गले से उतार को। यो हार बंक में रहता है, जब कभी किसी बेटी की शादी हो गए तो बंक से ये हार निकाला जाए और उसके बाद बहू के गले में तबर्रुक के तौर पर पहनाया जावे। अब काम की बात यह है, हम वो चंदन हार बेच को एडवांस ले चुको हैं, इतवार को माल देकर बाकी का दाम लेवेंगे 12 लाख। मैं कहती हूँ सुल्तान भाई। तू कुछ मत कह लल्ली, मेरी बात सुन, बच्चे काम कर दे और यूं समझ 8% तेरे खरे। ना 25% से कम मैं ये काम नहीं करूंगी। भाई ये तो बहुत ज्यादती हो तेरी लल्ली, किसी और से करवा लीजिए। अरे भाई ये काम कोई दूसरों कर सकते तो तुझे काहे को हवाई अड्डे से उठवा ला? तो फिर 25% दीजिए, दुनिया में जरूरत का दाम लगता है। देख लल्ली, आप देखिए सुल्तान भाई, आपके रेस में हार जाने के लिए भला मैं अपने सर मुसीबत क्यों ले लूं? और नहीं तो क्या, पकड़ी गई तो 20 साल की सजा तो मिलेगी। 25% देना हो तो घर कहलवा दीजिएगा। घबराहट लाल, एक दिन मैं इस कामनी लल्ली को मार डालूंगा। 1 किलो रबड़ी चाहिए। अरे हल्ला लनवा, सुल्तान भाई का डंडा आवा, 1 किलो ताजी वाली रबड़ी बांध दे और सुन, 1 किलो बूंदी का लड्डू भी बांध दे। और कोई सेवा मालिक? अरे तुम कब आ गए? अभी ये मुआ तो मेरा दिमाग चाट गया अंजलि बिटिया को पूछ पूछ के, दिन रात रटे जाता है अंजलि कैसी है अंजलि कैसी है, अब मैं क्या बताऊं इस दिमाग ढहे को। वैसे बिटिया तो ठीक ठाक है ना, मैं निखोंदी तो उसे याद भी ना होंगे, मगर निकल रही है बड़ी अच्छी, अब घर ले आओ उसको। कैसे ले आऊं, हिम्मत नहीं पड़ती, क्या वो अपनी मम्मी की हकीकत झेल पाएगी? वो समझती है मैं करोड़पति हूं, कई ऑफिसेस हैं,
फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, रहने के लिए महल जैसा मकान है। कभी ना कभी तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्या बताऊंगी, यही कि तेरी मां नहीं जेबू, मैं उसे वो बनाऊंगी जो मैं खुद बनना चाहती थी। इस जिंदगी की तो परछाई भी मैं उस पर नहीं पड़ने दूंगी। अगर उसके डैडी जिंदा रहे होते तो मैं उसे अपनी गरीबी की गोद में पालती। अपनी अंजलि को तो इस चोरी की दुनिया से आज तक दूर रखा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे ये ना कहना कि मैं क्या करती थी, कह देना कि बिजनेस में घाटा हो गया और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। सुल्तान भाई ने भेजा। आपकी बात मंजूर। जेहार कैसो है? अबे हिन हिना मत, इसको गौर से देख। और ठीक ठीक ऐसो ही हार नकली मोक बना के दे। देख, तार सु तार मिल जावे, नग सु नग, तब बात बने। तार तो क्या, हम तो तार का बाप भी मिला दें सुल्तान भाई। बाल बराबर भी फर्क पड़ जाए ना तो शरीफों में नाम लिखवा देना। लल्ला होशियार हो गए है तू, लल्ला होशियार। तुम तो जानते हो कि मैं हर चोरी से पहले तुम्हारे पास आती हूँ क्षमा मांगने। मैं अंजलि को गरीबी दे सकती थी, भूख दे सकती थी, लेकिन मजबूरी की वो जिंदगी नहीं देना चाहती थी जिससे मैं गुजर के आई थी। मैं ये नहीं देख सकती थी कि लोग उस पर मैली नजर डाले, अपने गंदे हाथों से उसके पवित्र बदन पर वासना का कीचड़ उछाले। तुम भगवान हो, तुम शायद ये सब हो जाने देते। मैं माँ हूं, मैंने ये नहीं होने दिया और न होने दूंगी, चाहे मुझे ये चोरी का पाप बार बार क्यों न करना पड़े। मुझे इस पाप के लिए भले बुरी से बुरी मौत दे देना, हर जन्म में सजा देते रहना, पर अंजलि का भविष्य सिर्फ यही होगा कि वो बोर्डिंग से सीधी लगन मंडप में आएगी। मुबारक हो असलम। शुक्रिया। मुबारक हो असलम। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो असलम। शुक्रिया शौकत। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर असलम। थैंक यू वेरी मच। आदाब जया जानी। I'm not afraid.
सरकार दो दिल मन को जरा सरकार दो सरकार दो दिल मन को जरा सरकार दो दिल मन को जरा मन को जरा सरकार दो ये चांद चेहरा दिखला दो दिल मन को जरा 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 शोले को शबनम जाने वो शोले को शबनम जाने वो शोले को शबनम जाने वो लगता है तुम दीवाने वो लगता है तुम दीवाने हो बेमौत सोई मरने के लिए वरना तैयार नहीं होता हम पर्दा नशीन हो इतना आसान बीमार नहीं होता पर्दा नशीन नमस्ते नमस्ते दादा कमाल है अभी अभी पोस्टमैन गया बेबी का खत आप सुन लेती है क्या माँ हूँ ना मेरे दिल के पास टेलीग्राम आ जाता है दिल के पास तो क्या वहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस खुल गया है दादा ये पोस्ट ऑफिस तो जब से दुनिया बनी है तब से खुला हुआ है अरे वाह मैं चलती हूँ Thank you.
गई यार। क्या क्या खरीद लाई? भड़क जाओगी। ये पैकेट तू ही खोल यार, मुझ में दम नहीं। रईस माँ की इकलौती बेटी होने के तो यही मजे होते। डोंट टॉक रबिश यार, खोल के तो देख। तेरे लिए इतने स्वीट ग्लव्स ले आई हूँ। वाओ, ग्लोव्स तो वाकई वंडरफुल है यार। पता ही नहीं था कि तुम आजकल मोहम्मद अली क्ले बन गई हो। वाओ, ये भी? ओह माय गॉड, ये मैं किसका पैकेट उठा लाई? बट आई कांट अंडरस्टैंड। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा मेट्रिन जी, लेकिन कुछ लड़कियां शरारती होती हैं। बट नन ऑफ माई गर्ल्स रिमेंबर। आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड मेट्रिन जी, लेकिन मेरा दिमाग चल तो नहीं गया कि मैं ये चीजें अपने लिए खरीदूं। मैं ये चीजें लेकर दुकानदार पे चढ़ गया था तो उसने बताया कि आपके स्कूल से एक लड़कियों का ग्रुप आया था वहां पे शॉपिंग के लिए और उन्हीं में से किसी की शरारत होगी। मैं बिगड़ गया उस पे। क्या बात है साहब, क्या कह रहे हैं आप? अगर मेरी बहन होती तो मैं वहीं भेजता उसे पढ़ने के लिए, बेटी हुई तो वहीं भेजूंगा। तो घबराकर उसने अपना स्टेटमेंट फौरन बदल लिया कि हो सकता है गलती से पैकेट बदल गया हो। मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? कम इन चाइल्ड। गलती से शॉपिंग सेंटर पर ये पैकेट बदल गया था। से सॉरी टू हिम, इन बेचारों को तुम्हारी चीजें लेकर अननेसेसरीली यहाँ आना पड़ा। आई एम सॉरी मैडम। मुझे नहीं, से सॉरी टू हिम अंजलि। इट्स ऑल राइट प्लीज, द प्लेजर इज ऑल माइन। ऐसी गलतियां होती रहती हैं लाइफ में और लिमिट तो यह है कि एक ऐसे गफले, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गफला ना? गफला? ऑफ कोर्स। हाँ, इसी गफले में मेरी मम्मी डैडी की शादी हो गई। कहने का मतलब इट्स ऑल इन लाइफ यू सी। पर शॉपिंग करते हुए जरा चौकन्नी रहिए। जय हिंद। पर यार, पैकेट का ये बदल जाना अब तक मेरी समझ में नहीं आया। सुना है कि वो पैकेट वाला था भी बड़ा डैशिंग। वेरी फनी। सुनो, कल जब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तब चौकन्नी रहूंगी। मतलब ये कि कोशिश करूंगी मेरा भी पैकेट बदल जाए। आपका आशिक हूं मैं, मुझसे नहीं शर्माइए। आपका आशिक हूँ मैं, मुझसे नहीं शर्माइए। मेरे लायक कर कोई खिदमत हो तो फरमाइए। मेरे लायक कर कोई खिदमत हूँ मैं, मुझसे नहीं शर्माइए। मेरे लायक कर कोई खिदमत हो तो फरमाइए। मेरे लायक कर कोई खिदमत हो तो फरमाइए। शायद आप कुछ मसरूफ हैं तो ठीक है। आज शायद आप कुछ मसरूफ हैं तो ठीक है। आपके घर से मेरा घर किस कदर नजदीक है। मेरे लायक कर कोई खिदमत हो तो फरमाइए। अंजलि बहुत अच्छी है। वो लड़का जो उसे पहली बार मिला था ना, आनंद। बोल तो रही हूँ, वो ऊटी में उसे फिर मिल गया और अंजलि बहुत खुश है। उसने खुद क्या लिखा है तू सुन ले ना।
तुम्हें कोई मिट्ठू मियां से यूं बातें करते देख ले तो समझे खुदा ना करे तुम्हारे दुश्मनों का दिमाग चल गया है। क्या करूं जेबुन, तुम थी नहीं और मेरा खुश होने को जी कर रहा था तो किससे बातें करती। अरे खुशी निखौंदी कहीं भागी जा रही थी का? खुशी का कोई ठीक थोड़ी ही है जेबुन। कमाल है, उस दिन के बाद से आज तक आप शॉपिंग करने निकले ही नहीं। आप? इन पर्सन यस, सर से पांव तक आनंद कुमार सिंह। क्योंकि डेमोक्रेट हूं कुमार सिंह ड्रॉप कर दिया, अब सिर्फ आनंद हूं। पर आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको देख रहा हूं। जी? मेरा मतलब फिलहाल यहां बैठे बैठे आपसे बातें कर रहा हूं, पर इस आप में मजा नहीं आ रहा यार। मतलब देखिए, एक सवाल आप कर चुकी हैं, एक सवाल मैं करूंगा। सवाल यह है कि आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? भीड़ भाड़ में मेरा जी नहीं लगता। ओह सेम हियर, इसलिए मैं दो एक दिन में अपने गांव वापस जा रहा हूँ, कुछ 50-1 मील दूर है। जन्नत है साहब, अगर जहांगीर ने कश्मीर की जगह मेरा गांव देख लिया होता ना, चारों खाने चित हो जाता। और फिर मैंने मम्मी डैडी और तीनों अंकलों से आपकी इतनी बातें कर, आप जबान पे चढ़ा हुआ है, तुम्हारी इतनी तारीफ। देखा तुम क्या था, क्या मजा आया फ्लो में। ठीक है, अब मैं जोर जोर से बातें करने लगूंगा और वो आपकी मदर स्टेला वहां खड़ी है अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी जिंदगी की आलू छील। ऐसा बोलो तो कल डिस्को चलने का वादा करो। डिस्को? इम्पॉसिबल, मदर सुपीरियर इजाजत ही नहीं देंगी। मैं इजाजत ले लूंगा, मैं उनको पटा लूंगा। यू क्रेजी, हो ही नहीं सकता। लगी शर्त? लग गई। तुम्हारे लोकल गार्डियन का नाम क्या है? मीर बरहानुद्दीन मोमिन लखनवी। आदाब बजा लाता हूं मादरे बुजुर्ग। नहीं नहीं, यहाँ स्कूल में कुछ भी बजाने का परमिशन नहीं है। मादरे बुजुर्ग, आप जरी कान धर के इस हकीर की दरख्वास्त सुनकर इस पर गौर फरमाने की जहमत तो गवारा करें। मैं मियां मीर बुरहानुद्दीन मोमिन लखनवी का ब्रादरे खुर्द हूँ, मीर इरफानुद्दीन काफिर लखनवी। बैठिए बैठिए। इजारे तशक्कुर के लिए इस हकीर पुर तकसीर के पास मुनासिब अल्फाज नहीं, इसलिए अर्ज मुद्दा करता हूँ कि किबला भाई साहब दाम इकबाल लहू की। दाम? दाम क्या? इकबाल लहू। आप अपनी जबान कुछ आसान नहीं कर सकते क्या? नहीं, सहल है, दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबान आते आते। ये दाग सा तो दिल्ली वाला, पर बात पते की कह गया। वैसे दिल्ली वाले कुछ यूं ही होते हैं। हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि किबला भाई साहब दाम इकबाल लहू ने आपके खिदमत गिरामी में एक सिक्का इरसाल किया है और जवाब के मुतमनी है। ओह माय गॉड। इस सिक्के के साथ एक पैगाम जबानी और है। भाई साहब किबला दाम इकबाल लहू ने बसद एहतराम ये दरख्वास्त गुजारी है कि अजीजे अंजलि सलमहा को 2 दिन की रुख्सत अता फरमाई जाए, क्योंकि नूर चश्मे कनीज फातिमा सलमहा यानी भाई साहब की दुख्तर नेक अख्तर के अकदे निकाम है, नूर चश्मे अंजलि की शिरकत अजद जरूरी है। तर्जुमा इसका यह हुआ कि भाई साहब की बेटी की शादी में अंजलि का होना बहुत जरूरी है। ओहो, इतनी सी बात कहने के लिए आपने पूरी डिक्शनरी खर्च कर डाली। ओके ओके, यू कैन टेक अंजलि। शुक्रिया शुक्रिया। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। क्या काम किया है इस दाढ़ी ने, वाह, और क्या उर्दू झाड़ी है मैंने। मेरी आधी बातें तो वो समझ ही नहीं सकी होंगी, वैसे मैं भी नहीं समझ सका, लटके आया था। और अगर मदर पहचान लेती तो? मैं बहुत उस्ताद आदमी हूं यार, अगर मैं कैस रांझा महिवाल या रोमियो हुआ होता तो लव स्टोरीज कुछ और होती मिस्टर, आई मीन मिस। तुम बहुत चालाक हो। गलत गलत, मुझे ट्राई करके तो देख लो, मैं बहुत ही आसान हूं, यानी कि पर्चा आउट। मेरी पसंद और नापसंद इतनी सादा है कि क्या बताऊं यार, औरतों में मम्मी, मर्दों में डैडी और लड़कियों में तुम। हाय हाय, क्या शर्माई, इट्स लव एट फर्स्ट साइट यार।
नजर में पहली नजर में हो गया है प्यार। यार कम यार नो यार छड़ यार की फर्क पड़ना यार ओके यार जय हो यार जय हो। आप बहुत याद आती हैं। अब के इंतजार न करवाइएगा। अब तक आप मुझे घुमाती रही हैं ना? आनंद ने कहा है कि अब के मम्मी को उठी घुमाएंगे। ये आनंद जरा ज्यादा ही होता जा रहा है, क्यों? हाँ बिटिया भी तो बड़ी हो गई है ना? लो तुम भी कमाल कर रही हो, अभी से बिटिया बड़ी भी हो गई। हाँ और नहीं तो क्या, बड़ी तो हो गई, अब उसकी 17वीं सालगिरह होगी ना। इस साल उसे क्या दूं? अरे खत पढ़ो, तुम्हें तो बस मौका मिल जाना चाहिए बिटिया की बात करने का। आनंद घुमाएगा तो आपको पता चलेगा कि ऊटी दरअसल है क्या। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, अब जाके ऊटी को सचमुच देखा, बस बोलता बहुत है।
आनंद की बातें सुनने उठी तो जाना ही पड़ेगा ना जेबुल। जाना तो पड़ेगा ही, अल्लाह रखे दोनों बच्चे हैं, अल्लाह न करे कुछ तलबिचल हो गई तो यही तो दिन है संभालने के। वही तो, मुझे कोई संभालने वाला ही तो नहीं था, लेकिन अंजलि के लिए तो मैं हूं, मेरे होने का फायदा तो उसे मिलना ही चाहिए। वही तो मैं भी कहती हूं, मेरी मानो तो चट मंगनी और पट ब्याह। मगर अंजलि समझती है मैं बहुत अमीर हूं, आनंद भी यही सोचता होगा, उठी जाऊंगी आनंद भी वहां होगा, बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अंजलि और उसके सपनों के बीच रुपयों की कमी नहीं आने दूंगी मैं। मैं सोच रहा था कि तुमने सोचना भी शुरू कर दिया आजकल लल्ला। नमस्ते सुल्तान भाई। आओ लल्ले, आज बिन बुलाए कैसे चली आई तुम? एक प्लान लेकर आई हूँ, 5-7 लाख की बात है, 8% लेते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ तेरे पैसों की जरूरत बढ़ती जाए है। ठीक है, 25% लूंगो। ये तो आपकी ज्यादती है सुल्तान भाई। जे तो है, कभी नाव गड्डी पे कभी गड्डी नाव पे, 25% वाज भी ना लगे, किसी और से करवा लीजो काम। किसी और से करवा सकती तो आपके पास क्यों आती? जे ही तो बात है लल्ली, जरूरत को दाम लगे हैं दुनिया में। देखिए सुल्तान भाई। तू देख लल्ली, 25% मंजूर हो काले कुत्ते से खबर करवा दीजो, तेरे काम हो जाओगे। ठीक है, 25%। हाँ 25% और भी है, सर्विस चार्ज और 1% खैरात। ठीक है, अब बोल तेरा प्लान क्या है? समझन तोरी घोड़ी चने के खेत में, समझन तोरी घोड़ी, समझन तोरी। कम इन। कम इन, कम इन, कम इन। आधा बर्थे। आधा, आधा। हाय हाय, बंदी सलाम अर्ज करती है। हाँ अल्लाह कसम, ये तुम लोग के साथ कौन जात की चीज है? हाय हाय, मैं सच के जाऊं हजूर, जनाब की बलैया लो हजूर, मैं बेच की चीज हूँ, ना मैं आप बन सका हजूर, ना मैं बेगम बन सकी। हाँ ये खलीक अहमद बुआ है सरकार, जनान खानों में भी जाना पड़ता है ना, ऐसे में काम आती हैं। ये गोश्त की दुकान बोलत नहीं का? हुआ क्या हुजूर के इनके बुजुर्ग जाने आलम पिया आला हजरत नवाब वाजिद अली शाह वाली अवध की सरकार में खुशबू के दारोगा थे। अच्छा, ओ दारोगा थे। उन्हें जब जालिम फिरंगियों ने मटिया बुर्ज भेज दिया तो उन मरहूम को ऐसा सदमा पहुंचा कि चुप लग गई। बस वो दिन और आज का दिन, जो बच्चा पैदा होता है गूंगा पैदा होता है। बंदी ने जब सुना कि आप महमूदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और दुबई से तशरीफ लाए हैं तो भाईजान से कहा, शेख साहब पुराने अशराफ में हैं, इत्र की खूब पहचान होगी। हुजूर, ये शमामतुल अंबर है। शमामतुल अंबर जी? ओहो, शमामतुल अंबर। भाईजान, आप जब तक सरकार को मुश्के खताई, हीना, गुले मोगरा और जौनपुरी गुलाब का इत्र दिखलाइए, मैं तब तक जनान खाने में बेगम साहिबा की खिदमत बजा लाऊं। हम एक बात कहीं, उधर गाना बजाना मत। मैं तो इत्र दिखलाने की बात कर रही थी। अच्छा तो जाइए। हाँ बहन। आधा बंजर बेगम साहेब। हाय हाय, सलाम बीबी जी। उई, इस मुए हिजड़े को पाल आई, उधर मुंह करके बैठ। और बीबी, हम तुमसे एक बात कही थे साफ साफ,
तुमरी सोबत अच्छी ना ही लागत। और बहनी मो तो इतर लगावत ही ना ही कभो, मो को तो इवनिंग इन पैरिश अच्छा लागत है। कोई फ्रांस वालों का नया इतर हो तो दिखला। अजी फ्रांस का है, लंदन का है, अभी हाजिर किए देते हैं। जापान का इतर नहीं चाहते है हमें, जापान की चीज तुच्छे लोगों के वास्ते ठीक है। मैं क्या पागल हूँ जो आपको जापानी इतर सुना। लीजिए लंबा सांस लीजिए। मो को लंबा सांस लेवे ना ही आवत है। एक हली कह मत बुआ, तनिक सूंघ के बता लंबा सांस लेके। हाँ हाँ सूंघ लेते हैं। ये तो मुश्किल से 20-25 हजार है, इससे क्या होगा, तेरे हिस्से में क्या आएगा। इसी को लेकर निकल चल, सुल्तान भाई से बाद में हिसाब कर लेना। दुकान गई। सुनो लल्ला, हम बहुत खुशखुराक हैं, लक्कर पत्थर हजम कर लेंगे। धोखा हजम नहीं करूंगा, धोखा। तुम लोग सुन लो, तुम लोगों को जो अपनी जान प्यारी हो तो लल्ली को लाके हमारे सामने खड़े करो, और जो खाली हाथ लौटे तो तुम्हारा थोबड़ा सेकंड हैंड बिकता दिखा देगो किसी कबड़िए की दुकान। मम्मी, मम्मी, सफर कैसा रहा? माँ जब बेटी के आनंद को देखने आती है ना तो उसे सफर का पता ही नहीं चलता। ऐसी घबराहट क्या है, जेब में रखकर थोड़ी लाई हूँ, भाई लाना चाहिए था ना। चलो चलो। मम्मी ये इस होटल का बेस्ट सूट है, अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगा, पर आनंद आता ही होगा, मैं जब तक तैयार हो लेती हूँ। Come in. Very good morning to you. तुमने बहुत इंतजार करवाया मुझको? जी, I'm very sorry, but क्या? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ? वो तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन लेकिन क्या? पहले but, अभी लेकिन। अरे भाई, मैं अंजलि की मम्मी हूँ। मेरी अंजलि तो तुम्हारी इतनी तारीफ करती है कि पूछो मत। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। वैसे अंजलि की पसंद पे तो मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। बात आगे बढ़ाने से पहले तुम्हें देखना, तुमसे मिलना चाहती थी। सच पूछो तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैडम आप? मैडम? अब तुम मुझे मैडम कहोगे? मम्मी कहो ना। मम्मी? मैं आपको मम्मी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस होटल का फ्लोर मैनेजर हूँ। व्हाट? और आपको वेलकम करने आया हूँ।
I hope you are very comfortable in our suite. Yes. Yes, thank you. ये फूल मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं. ये पीले अच्छे नहीं लगते. सफेद फूल भेज दीजिए. जी मैं अभी भिजवा देता हूँ. अभी भिजवा देता हूँ सफेद फूल. Come in. कमाल की प्रॉम्प्ट सर्विस है. अभी फूल मांगे नहीं कि आ गए. अच्छा ऐसे करो, इनको इसमें लगा दो. मेरा गेस्ट कभी भी आ सकता है. क्या कर रहे हो? 5-star होटल में काम करते और फूल लगाना भी नहीं आता. चलो हटो. ये लो अब इन्हें लगाओ. ओह माय गॉड, रहने दो मैं लगाती हूँ. देख लिया अपनी बेवकूफी का नतीजा. मेरा मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो. ओह माय गॉड, रहने दो. तुम और कुछ गड़बड़ करके रख दोगे. देखो मुझ पे मेहरबानी करो और यहाँ से चले जाओ प्लीज. मैं जी मैं वो. अजीब आदमी हो तुम. मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ और तुम मैं किए जा रहे हो. आई से प्लीज लीव, गो आउट ऑफ हियर, गेट लॉस्ट. अरे नहीं मम्मी, किसे डाल रही हैं आप? इस बेवकूफ को. सूरत पे सवार है, चलता ही नहीं. मैं फिर बोला तो मम्मी ये तो आनंद है. नहीं आनंद. आनंद तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ आपने बताने कहा दिया. जैसे ही अंदर आया वैसे काम पे लगा दिया और फिर डांटने लगी. ओह आई एम सो सॉरी बेटा, बुरा नहीं मानना. नहीं नहीं बात ये है कि मैं तुम्हें होटल का आदमी समझी और हुक्म चलाने लगी. चाय शरबत के लिए पूछा नहीं और डांट पिला दी. तुम इसी लायक हो. क्यों आए इतनी देर से? मैं फूल अरेंज करूं? अब सनसेट पॉइंट थोड़ी दूर रह गया. बड़ा लोकेशन यार, ऐसा लगता है जैसे आसमान से पिघलता हुआ सोना बरस रहा हो. बस बस रहने दो, हम सनसेट पॉइंट पर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे. लेकिन अंजलि वहाँ से डूबता हुआ सूरज बहुत हसीन नजर आता है. मुझे कोई भी डूबती हुई चीज पसंद नहीं. हैरत है, जो मुझे पसंद नहीं वो तुम्हें कैसे पसंद है? लोक आनंद, जो चीज मुझे पसंद हो वही चीज तुम्हें भी पसंद होनी चाहिए. जय हो. कोई जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है. देखो आसमान में बादल है. हाँ है. नहीं है. नहीं है? कैसे नहीं है? मैं कहती हूँ बादल नहीं है तो नहीं है. ये क्या है? सूरज है और क्या है? गलत, ये चांद है. बोलो चांद है? कम ऑन अंजलि, डोंट बी सिली. बेवकूफी की हद होती है. तुम उल्टी गंगा बांधने पे तुली हो. एक जमाने से यही हो रहा है. जी नहीं, बात हमेशा मर्द की मानी जाती है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है. व्हाट नॉनसेंस, तुम पत्थरों के युग की बात कर रहे हो. स्टोन एज, ये 20th सेंचुरी है माय डियर. 21वीं सदी लगने वाली है. आज जरूरी है कि औरत की बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस दी जाए. अरे क्या बात है भाई, तुम दोनों में किस बात पे झगड़ा हो रहा है? मम्मी ये सूरज को चांद नहीं कहता. आज मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहा है, कल न जाने क्या करेगा. मम्मी बोला, ये भी कोई बात हुई क्या? मान लो भाई, मजबूरी है. यानी इसके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं लेकिन खैरियत इसी में है. अब कहो ये चांद है या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं. Oh,
जिद छोड़ गई, ये जिद छोड़ गई, मोहब्बत में से झुकाओ आ गई तो, झुकाओ आ गई तो, लो मेरा नाम नहीं तो सलाम, नहीं तो सलाम। कहो दिन कभी रात को तो सच मान लो तुम मेरी बात को, अगर तुम कहो दिन कभी रात को तो सच मान लो तुम मेरी बात को, चलो छोड़ दो बस मेरे हाथ को, करो आखरी इस मुलाकात को, इस मुलाकात को, इस मुलाकात को, ओ मुझे छोड़ गए ये दिल तोड़ गए, न जाओ अगई तो, न जाओ अगई तो, लो मेरा नाम नहीं तो सलाम, नहीं तो सलाम। निगाहों में इकरार है, मुझे इस हकीकत से इनकार है, बड़े ही मजे की ये तकरार है, तुम्हें यानी मुझसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, ना होगा ये कम, ना होगा ये कम, अब भी यही ये कसम, उठाओ अगर तो, उठाओ अगर तो, ना मेरा नाम नहीं तो सलाम, नहीं तो सलाम। ये जिद छोड़ गई मोहब्बत में से, बताओ मम्मी, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। क्या शादी तय कर दी? लेकिन तुम, मेरा मतलब है तुम कैसे मान गए? मैं क्या करता मम्मी, मैं मजबूर हो गया। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि तुम अपने प्यार को, आजकल के लड़कों का प्यार भी ऐसा वैसा ही होता है, पर मैं समझती थी कि तुम फटी हुई मैली जींस और एल्टन जॉन वाले छोकरों से अलग होगे। ये पूरी जेनरेशन ही बेरीट की है, प्यार करेंगे अपनी पसंद की लड़की से और शादी करेंगे माँ बाप की पसंद की लड़की से। छी। मैं वाकई बहुत मजबूर हूँ मम्मी। क्या मजबूरी है? देखिए मम्मी, मेरे पिता चार भाई हैं, दो बैचलर हैं, तीसरे ने दुनिया त्याग रखी है। अब चार भाइयों के बीच मैं अकेली औलाद हूँ। मेरा मतलब मेरे बारे में चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं, कोई मुझे डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। अब पहली बार मेरी शादी के सिलसिले में चारों भाई एक राय के हुए, इसलिए मैं मजबूर हो गया मम्मी। आखिर वो भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना। अब आप बताइए मेरा कर्तव्य क्या है?
शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। जो अंकल्स बैचलर हैं, उन्हें शादी के मामले में बोलना ही नहीं चाहिए। और जो दुनिया त्याग चुके हैं, वो गृहस्थी जीवन के बारे में क्यों बोले? मैंने ये सब कहा था मम्मी, लेकिन नो यूज। पत्थर में जोंक लग सकती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स और अंकल्स, माय गॉड। और फिर उन लोगों ने तो मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी है। अजीब लोग हैं, तुमसे पूछे बिना शादी की तारीख भी तय कर दी, लड़की भी पसंद कर ली। लड़की? कौन सी लड़की? ओह लड़की। नहीं मम्मी, उन्होंने शादी की तारीख तय की है और मुझे उसी तारीख को शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारा मतलब है? हाँ, लड़की तो मैं तय करूंगा। कहते हैं कहीं भी करो, किसी से भी करो, लेकिन बारात उसी दिन जाएगी। अरे अरे क्या कर रही हो? मार रही हूँ इसको। देखा, रुला दिया ना मेरी मम्मी को। I'm sorry मम्मी, मैंने सोचा जरा मजाक हो जाए, आपको रुलाना नहीं चाहता था। एक्चुअली मैं तो खुशखबरी लेकर आया था कि मैं अंजलि को अपने पेरेंट्स और अंकल के कमीशन के सामने पेश कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, ट्रेन आ गई होगी, मैं अंजलि को ले जाऊँ? हाँ हाँ जरूर ले जाओ, लेकिन कमाल किया तुमने, तुमने बताया भी नहीं कि वो लोग आ जा रहे हैं, उनके रहने का बंदोबस्त वगैरह। वो सब बंदोबस्त हो गया मम्मी, स्वीट्स भी बुक हो गए। फिर भी वो स्वीट्स उन्हें छोटे तो नहीं पड़ेंगे? कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, उनकी कोई खास पसंद? मैं बताऊं उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? आप। आइए। हाय डैड। अरे अरे बेटे नीचे तो उतरने दो। अरे डैडी आप नीचे उतरेंगे मुझे उतना ही ज्यादा झुकना पड़ेगा। कुली। आइए मम्मी आइए। आओ भाई आओ। अच्छा डैड, मॉम, ये अंजलि। जिंदी रहो। जीते रहो बेटे। बहुत घबरा रही थी आप लोगों से मिलने से। क्यों? वो पता नहीं वो कह रही थी कि आप लोगों को पसंद आएगी ना आएगी। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। अपने डैडी से पूछ लो। बेटे इधर आओ। चलो अब ये बात हो गई, अब चले। हाँ चलो आइए। अंजलि डार्लिंग, बंबई से एक बुरी खबर आई, मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है। आनंद के माता पिता और चाचाओं से मेरी तरफ से बहुत बहुत माफी मांग लेना, मैं खुद भी उन्हें माफी का खत लिखूंगी। मगर तुम परेशान ना होना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ? फजूल की बात मत करो जी, वो हमसे बिना मिले चली कैसे गई? अरे भाई कहाँ ना, पचासियों काम है उनके, कोई जरूरी काम निकल आया होगा। इकलौते बेटी की शादी से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? उसने हमसे मिलना अवॉइड किया है। अरे कमाल करती हो, भला मिलना क्यों अवॉइड करेगी? वही जाने, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या बात कर रही हो, वो जब खत लिखेंगे तो सारी बातें खुद ही साफ हो जाएंगी। देखो जी, मुझे किसी का खत वत पढ़ने का कोई अरमान नहीं, मगर एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे कोई गड़बड़ नजर आ रही है। आ गई लली। धोखे की सजा जानती हो? जी हाँ। फिर भी अपनी जान को नहीं डरे? डरे वो जिसे अपनी जान प्यारी हो। मैं तो अपनी जान की बाजी उसी दिन हार गई थी जिस दिन आपकी दुनिया में कदम रखा था। मगर एक बात ये भी सुन लीजिए सुल्तान भाई, कि भगवान से तो एक बार चाहे कोई जीत भी जाए
लेकिन अपनी बेटी के भविष्य की रक्षा करने वाली माँ से कोई नहीं जीत सकता, ना आप ना भगवान। बेटी, ये तुम क्या बोली लल्ली? जी हाँ, और बेटी भी एक ऐसी माँ की जिसकी तकदीर में इस एक रिश्ते के सिवा और कोई रिश्ता है ही नहीं। जो माँ ना किसी की बेटी है, ना बहन, ना बीवी। तू बैठ, बैठ, अब बोल, शुरू से बोल। शुरू का तो कुछ पता ही नहीं, पर कोई ना कोई शुरू तो रहा ही होगा। मेरा अपना शुरू तो मुझे मालूम नहीं। वैसे सबसे पुरानी यादें अनाथालय की हैं। यतीम खाना? हाँ, बच्चों के मुसलसल तरसते रहने का नाम, जहां लोग खैरात भेजते हैं, अपने बच्चों का उत्तरण भेजते हैं, वहां हर चीज होती है। खाने के लिए गालियां, बिछाने के लिए अपनी बेबसी और ओढ़ने के लिए अपनी तन्हाई। फिर भी मैं रो पीट कर जवान हो ही गई। हमारे यतीम खाने के मैनेजर पंडित द्वारका प्रसाद बीमार थे। मेरी रात की ड्यूटी थी, वो रात तूफानी थी, बाहर बारिश हो रही थी। बारिश माँ की तरह प्यार से मुझे नहला रही थी, मेरे कपड़ों का खून छुड़ा रही थी। एक गली से एक कार निकली, उसके ब्रेक अच्छे थे, नहीं तो मेरी कहानी उसी रात खत्म हो जाती। उस कार से वो उतरा, मुझे लगा जैसे वो आदमी नहीं, धूप का एक टुकड़ा है, और मैं उस धूप में नहा गई। कौन था वो? नाम क्या था उसका? उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं सुल्तान भाई। वो एक अजीब आदमी था, उसे सूरज बनना भी आता था और चांद बनना भी। उसका प्यार इतना बड़ा था कि मेरा दिल छोटा पड़ गया। अनाथालय में प्रिंस क्या होता है, इस पर तुम्हारा क्या बस? ये महात्मा गांधी का देश है बेटी, यहां जात पात की बात करना बापू की महान आत्मा का अपमान करने के बराबर है। मेरे बेटे ने तुझे स्वीकार किया, मेरे लिए यही बात है। उसके पिता की नरमी मुझ पे फूल बन के बरसी, और मैंने सोचा दुनिया देवताओं से खाली नहीं हुई है। वो मुझे छोड़ने आया, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वो बोला जब धूमधाम से ब्याह होगा तब होगा ही, आज तो चुपचाप शादी कर ही ले। वो मुझे मंदिर में ले गया और वहां पंडित जी ने भगवान के सामने हमारा ब्याह किया। फिर सुहाग रात आई और उस रात की सुबह वो लंदन चला गया। तब ना उसे पता था ना मुझे कि अंजलि की बुनियाद पड़ चुकी है। मैं सोच रही थी मैं अकेली हूं, और अपनी तन्हाई को बहलाने के लिए गुनगुनाने लगी।
जाओ। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की। छुरी मार के सोच रही थी कि हाथ नहीं आएगी। अरे मैं तो पाताल तक पिन्ना छोड़ू। अरे लल्ली, तू हमको उस हराम के चने यतीम खाने वाले का नाम बता दे, माँ कसम चक्कू घंगोल दूंगा उस साले के पेट में। नहीं सुल्तान भाई, चाकू ना निकालिए। कसूर तो मेरी गरीबी और बेबसी का था। मैं अंजलि के दहेज में अपनी वही गरीबी और बेबसी नहीं देना चाहती थी, और नहीं अपने बचपन जैसा बचपन। जे तो मैं समझू लल्ली, पर तेरे आदमी का क्या हुआ? वो लंदन से आया तो उसे पता चला कि मैं जेल में हूँ। अरे इन मर्दों का क्या भरोसा, कहीं और किसी से टाका भिड़ा लिया होगा उसने, और ये यहाँ चक्की पिस रही। ए मुई, तू भूखे मरना चाहती है क्या? पेट में बच्चा लेके मरने चली है? तू शौक से मर, उसे मारने वाली तू कौन? हिंदुस्तान में एक तू ही नहीं जिसे उसके भतार ने छोड़ दिया है। तू क्यों मरे उसके लिए? उसे चलाने के लिए जी बहनी, समझी? चलो खा लो सामने, जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, जल्लो साहब बुला रहे हैं। कामिनी, मेरा नाम याद है तुम्हें? इसी घर का वादा किया था ना? वाकई ये घर बहुत बड़ा है, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बड़े आराम से हूं मैं यहाँ। अपने नाम के ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरकर यहाँ कैसे आ गए कैलाश? क्या ऐसे ही चुपचाप खड़े रहने को आए हो? बोलोगे नहीं? प्यार की कुछ नई बातें, कुछ नए वादे, बोलो ना। मैं फिर से धोखा खाने के लिए सामने खड़ी तो हूं। बस तुम कह चुके, मेरे पास कहने के लिए है ही क्या? अब तुम्हें से तुम्हारी बेवफाई की बातें क्या करूं? अगर मैं बेवफा होता तो मुझे यहां आने की जरूरत ना होती। अपनी सफाई में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो फिर मैं यहां क्या कर रही हूं? तुम्हारा यहां होना ही मेरे प्यार का सबूत है कामिनी। डैडी ने ही ये सब जाल बिछाया था। वो जानते थे कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने मुझे बिजनेस के कामों के लिए विलायत भेज दिया। वापस लौटा तो पता चला तुम जेल में हो। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही के सबूत बिना किस किस मुंह से तुम्हारे सामने आता कामिनी? अब आया हूं जेल के इन सलाखों को गवाह मानकर वही वादे दोहराने। ना, अब तन्हाई में तुम्हारे वादे नहीं सुनूंगी, गवाह के सामने सुनूंगी, और वो गवाह भी आने वाला है। गवाह आएगा या गवान? मुझे तो बेटी चाहिए, बेटे का क्या है, तुमसे मिल जाए। जिस दिन मुझे जेल से रिहा होना था उससे पहली वाली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। रात भर सूरज को कोसती रही कि वो निकलता क्यों नहीं, पर सूरज को किसी से मिलना थोड़ी था, वो क्यों जल्दी करता? वो तो अपने वक्त से निकला। जेल का दरवाजा खुला, मैं बाहर आई। वो नहीं था, कहीं नहीं था। अब मैं कहां जाती? मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। हजार तरह के ख्याल आए कि शायद मेरे जेल में रहने के दौरान में लोगों ने उसे बहका ना दिया हो। फिर भी मैं अपनी किस्मत का फैसला उसी से सुनना चाहती थी। मैं उसके घर गई और वहां पता चला कि मुझे जेल में मिलने के बाद घर लौटते हुए उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो
तुम्हें क्यों दुख है? जो मरा वो तो मेरा इकलौता बेटा था ना, तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? तुम किसी और को ढूंढ लोगी? उन्होंने मुझसे ब्याह किया था पिताजी। तुम्हारी ये मजाक कि तुम मुझे पिता कहो? मेरे हाथ मेरे बेटे की मौत बेचने आई हो? निकल जाओ मेरे घर में से। मैं आपके घर में रहने के लिए नहीं आई हूँ, इस घर पे मेरा अधिकार ही क्या? लेकिन लेकिन वो औलाद जो मेरी कोख में पल रही है। खबरदार, जो मेरे खानदान को इतनी बड़ी गाली दी, भारतनाथ गंगाधीन। उनके नौकरों ने उसे सरदार घर की बहू को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मैंने देखा कि मैं इस बेदर्द दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। ऐसे में जेबू ने मुझे सहारा दिया और मेरी बेबसी की कोख से अंजलि का जन्म हुआ। एक लावारिस मां के घर में एक लावारिस बेटी पैदा हुई। सुल्तान भाई, मेरी मोहब्बत और अपनी यतीमे के सिवा मेरी अंजलि के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। आपके ये दोनों ठग मेरी अंजलि के भविष्य के चौखट से मुझे घसीट लाए हैं, जो अंजलि के लिए मेरी ममता की कड़ी तपस्या का वरदान था। मैंने उसे 3 साल की उम्र से क्या इसीलिए अपने आप से अलग रखा था कि जब वो बड़ी हो जाए और उसकी जिंदगी में एक शरीफ लड़का आए तो आप अपनी ताकत के पत्थर से मेरे सपनों के शीश महल को चकनाचूर कर दे। इसका मतलब जानते हैं आप सुल्तान भाई? इसका मतलब आप जानते भी हैं? इसका मतलब ये है कि मेरी अंजलि अब किसी की बीवी नहीं बन सकती, किसी की बहू नहीं बन सकती, किसी की माँ नहीं बन सकती। वो भी मेरी तरफ चोर बनेगी, चोर, और किसी बेरहम सुल्तान भाई के लिए वो भी चोरियां करेगी। सुल्तान भाई, आपने अपने थोड़े से पैसे के लिए मेरी बेटी की वो तस्वीर चुरा ली जो भगवान की आंखों में आंखें डालकर मैंने खुद लिखी थी। आपने अपनी लालच में आंखें, बस बस, मेरे तो इस दुनिया में कोई नहीं लल्ली, ना आगे नाथ ना पीछे पगाओ, बस अल्लाह से लटम लटो। तेरी बेटी मेरे भांजी। देवी जी, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस तार में बात ही ऐसी है जिसके लिए आना पड़ा। क्या बोल लल्ली? वो आ रहा है, 4 दिन के बाद बारात लेकर आ रहा है। कौन? वही जिसे मैंने अंजलि के लिए पसंद किया, आनंद। अब क्या होगा सुल्तान भाई, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोलती रही और एक गरीब औरत हूँ तो सब कुछ। तो बिल्कुल मत फिक्र कर लल्ली, मेरे होते हो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। वो लल्ली की शादी ऐसी धूम से करूंगा, फिर लल्ले का बाप भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसी शादी तुम्हें जिंदगी में नहीं देखी। भगवान, अब तक तो तुम मुझ पापन को क्षमा करते आए हो, अब मेरी ममता की मंजिल करीब आ गई है। मेरी अंजलि की शादी हो रही है, मैं उसकी मांग सितारों से भर रही हूँ। मेरा साथ देना भगवान, मेरा साथ देना। कवराट लाल, अब तुम जे बोलो कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ेगी शादी को वास्तव? एक लड़की चाहिए, एक लड़का चाहिए और एक पंडित भी चाहिए। जरूरत की बातों बताओ हराम की औलाद। सुल्तान भाई बिगड़िए मत, सबसे पहले कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी, शरीफ आदमियों की। मसलन 10 जवान लड़के, 10 जवान लड़कियां, कुछ 10 अधेड़ उम्र के कपल्स और 3-4 बुड्ढों की, वो मैं कर लूंगा। और 4-6-5 बड़ा बड़ा गाड़ी की जरूरत भी होगी। एक BST की बस ले लेंगे। पहले ही उसका कपड़े के लिए अकबर भाई स्नो व्हाइट लॉन्ड्री वाले को बोल देगा कि उसका बाप मर गया, 4 दिन के लिए दुकान बंद। अगर उसकी माँ को पता चल गया तो
हाय, और जरूरत पड़ेगी कुछ नई कीमती साड़ियों की, उसके लिए एक आध दुकान तो साफ करनी पड़ेगी। और फिर ज्वेलरी चाहिए, वो भी तो जरूरत है। बम्बई में कोई कमी नहीं सुल्तानबाई ज्वेलरी की दुकान, और वो अपना काम है। अगर पुलिस को पता चल गया तो? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रह गया अपना, क्या है, चोर पिक पॉकेट रंडी भड़वा इन लोग सबको अपने को डिसेंट बनाने का होगा। सुल्तान भाई, सबको शरीफ बनाने का काम मैं करूंगा, खींच के लाइन पे ले आऊंगा। ये सब चौपट हो जाएगा अगर लल्ली का बंगला नहीं हुआ तो। ये तोंदियल मुरमुरों को थैलो बात तो पते की कर गयो। कामनी लल्ली ने नौरोज विलो को नक्शो बता दिया अपनी लल्ली को। अब कुछ भी करके नौरोज विलो हमारे हाथ में आ जाना चाहिए। उसके लिए पागल बाप बेटे को तिरपट करना पड़ेगा वहां से। नौटंकीलाल, ये नाटक तू जमा के बता दे। एक्टिंग खेल नहीं है, जिसे बच्चे भी खेले। ऐस बनना है तो दीवाना भी बनना होगा बेटा। डोराब, अबे मारो समझ। वो हमारा साहब है। ओह हेल, अब एक्टिंग का स्टाइल बदल गया डैडी, अब तो वैसे डायलॉग भी नहीं मिले जा। खबरदार नानजात, नाटक तो तभी होता था। क्या क्या कंपनीज थी मेरे फादर नौशेरवान ईरानी के जमाने में? पारसी नाटक कंपनी, विक्टोरिया नाटक कंपनी, काओस जी का अल्फ्रेड थिएटर। नाटक सईद हवस में हीरोइन का रोल मेरे फादर किया करते थे। मलका मेहर, यही है वो मलका मेहर के मेकअप में। इनके बाद ये रोल मैंने किया, फ्रॉम 1921 टू 1930। एक सीन आज भी याद है। ऐ छोरी, अच्छे छोरी, ले साथ। अगर तू साथ है, मैं भी औरत जात हूं और तू भी औरत जात है। साहब, बेकसी के वक्त हमदर्दी दिखाना चाहिए, औरतों को औरतों के काम आना चाहिए। साहब बार इस बार में, इस बार में मूवी का सीना चाक कर। बुड्ढा साला तो पागल लगता है। इसलिए है तू कहता है ये गिर और जलाकर। नहीं नहीं नहीं, समझ देख तू क्या करता है उधर। साहब एक नाटक का मेरा डायरेक्टर आया है और तुमको और रोल लेना चाहता है। रोल एक्टिंग का रोल, कैरेक्टर, ड्रामा। किधर है वो? मेरी माताजी स्टेज की महान कलाकारा थी। जब वो स्टेज पर नाटक कर रही थी तब मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम रखा गया नौटंकी लाल। और आपसे है मेरा एक सवाल, आप हमारे ड्रामे में काम करेंगे जिसे लिखा है मुंशी प्रताप बनारसी में और ड्रामे का नाम है यहूदी की बेटी। की बेटी? कहाँ जाते हो? वाह वाह, क्या अदायगी है, और आप तो इस रोल में एकदम फिट है। लागी क्यों? समझदार रखते हो। बोले क्या चाहिए? बस हमारे ड्रामे में काम करने की। हाँ मंजूर। ड्रामे का सारा खर्चा हम करेंगे। अरे जब बात करने का वक्त आता है तेरी जबान को ताला लग जाता है। अरे कम वक्त मुंह से कुछ फूट, कुछ बोल। इतनी बड़ी शादी होगा तो उसमें नकदी लगेगी कि नहीं? जरूरत तो पड़ेगी सुल्तान भाई, मगर मगर नहीं, जितनी बात पूछता उतनी बात का जवाब दे कम वक्त। नकदी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ। तो नकदी आएगी कहां से? अकबर, नहीं अकबर डंडो नहीं, सुनू कर, थंडर बोल पे जाके 25,000 खेल दे, 1-10 का भाव तो मिलोगे। अगर हार गया तो? चुप, तू जा, तू भाग, सरपट भाग। कमान! कमान! कमान!
अर्जुन साला, हाँ हाँ घबरा मत, तेरे 25,000 भेज दूंगा, मरता क्यों है? अबे कितनी बार कहा तुझसे दौड़ के मत आया कर, सर पर मत आया कर। सुल्तान भाई, जॉकी मेरा दोस्त है, उसने बताया कि अंडरबोल्ट हारा नहीं, हराया गया। जो आयोगा जी, पर अब डंडो। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं लाकर यह सेठ, सुल्तान भाई का डंडा है, और आपसे कह रहा है कि जिस घोड़े पर वो रुपया लगाए वो खिंचवाया नहीं जाता। क्या बकते हो? ये डंडा बकता नहीं पर माता है। जो ये गिर जाए तो लकड़ियों सेठ, तो तुमको बहुत चोट लगतो, घोड़ो तो मेरे खींच लियो। अब मेरे 2.5 लाख रुपये निकाल। कौन सा 2.5 लाख? क्या 2.5 लाख? ये तो जाती हो लाकड़ियों सेठ, 2.5 लाख रुपये तो जरूर मिलोगो। मिलोगो? ये झूमर दे दो, उसके पैसे दे दो। अरे जी कोई कपड़ा है कहां फंसा दिया मुझे, ये लगता गले में लत्तो लिए घूम रहा है कोई। आप हैं शेरिफ ऑफ बॉम्बे मिस्टर दिलीप कुमार? शरीफ जे साला, शरीफ कहां से लगे, दिलीप कुमार तो लगे राम और जाम वाला। सुल्तान भाई आप लड़की के मामा है मामा, थोड़ी देर के लिए ये धुरों की जबान भूल जाइए। जी तुम भूल ही गया था। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई लासी। अरे कांग्रेस हाउस की खुशी नहीं। अरे माँ जी मिले, इन्हें क्या डायलॉग बोलेंगी, दो लफ्ज बोलेंगी तो जुबान में लुकना पड़ को मरेंगी नहीं क्या? अरे ये डायलॉग तो मैं ही बोलूंगा मैं। वो अपने हुजूर निजाम थे नहीं, परसों गुजरे सो हुजूर निजाम के हरम सरा में मेरी दादी बबरचंद के नीचे काम किया करती थी। अब बोल माठी मिले, जबान मेरी सगी लगी कि नहीं? बोल चुकी। अरे बोला। मैंने तुम्हें मिस मल्होत्रा का रोल याद करने को कहा था, याद है? हाँ हाँ याद है। चल बोल। आइला ये बोल ही नहीं सकती, गादी माफिक बिछेला है। अरे क्या बीच? अरे हट। और तू सुल्तान भाई। जयराम जी की। सुल्तान भाई इस डंडे को मुंह जबानी याद कर ले, अगर अब कोई भूल चुकी है ना तो ये तेरे गले से छाटने लगेगा, समझे? चल बोल बोल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे शाबाश, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं डंडे का जोर। तो घुट नो टांकी मिल जा मगबगा। अरे जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना दारू को हाथ नहीं लगाना, समझी? हाँ। तुम सेंट्रल रेलवे के मैनेजर मिस्टर एच लाल हो और तुम हो इनकी धर्मपत्नी। अच्छा बाबा, धर्मपति तो मैं किसी की बन जाऊंगी। तुम हो मिस्टर मोदक सिविल इंजीनियर और तुम इसकी बीवी। ए हट रे, कहीं तो सठिया तो नहीं गया, मैं और इस दलाल की बीवी? अरे ग्रांड रोड की गली गली जानती है कौन है और क्या है, भड़वा है भड़वा। अरे भाई ये सब दिखावे के लिए है, सिर्फ 4 दिन की एक्टिंग। मैं नहीं करूंगी। अच्छा होगा करूंगी। ठीक है तुम लेके चलो, हाँ तुम भी चलो, ये सब ठीक कर दो। हाँ जल्दी करो। हाँ ए, तुम कामनी की सेक्रेटरी हो इस वक्त, समझी? ए हट भड़वे, सेक्रेटरी छू, चल चल। कहाँ? चमेली बाग। अरे पान खाओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब 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 इंदर भाई क्या बात कर रहे, अजी गड़बड़ तो इसका धंधा है।
ये इमली के झाड़ा तले बिछने वाली दरी है ना। अरे अरे, अब तू तो फिल्म सती की चमत्कार की हीरोइन है ना, बोलती है एक लाफा मारूंगी ना तो बत्ती सी उड़ के चोली में गिरेगी। अयो लाफा मारती कते, अरे खेकड़ी ये निजाम शाही हाथ है, मेरी माँ असली घी खाई थी समझी, ये एक लगाया ना तो तेरी मुंडी गली गली भीख मांगती नजर आएगी। सलाम वालेकुम। नमस्ते सुल्तान भाई। इतना अच्छा घर छुपा रखा था आपने मुझसे मम्मी। यू बैड बैड मम्मी डार्लिंग। अंजलि ये है तेरे मामा। बहुत दिन के बाद अफ्रीका से लौटे हैं। हाय मामा। हाय, कहाँ गए लल्ली? सुल्तान भाई, आजकल के बच्चे इसी तरह सलाम दुआ करते हैं। सुल्तान भाई? हाँ हाँ, सुल्तान सिंह राठौर। आओ बेटी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इंडियन शिपिंग को शिपिंग वालों ने 8 बार फोन किया है। अच्छा। गुड मॉर्निंग मैडम, कामनी टेक्सटाइल वालों को आपका फैसला मंजूर है। अच्छा। आज आपका लंच मिस्टर देसाई के साथ है। हाँ, और 3 बजे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्ट अ मिनट, आज मेरी बेटी पहली बार घर आई है, क्या ये सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल नहीं हो सकते? जी नहीं, कल तक के आपका कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकता। देख लिया, इसीलिए मैं तुझे यहाँ नहीं ला रही थी, ये सब लोग मुझे तुझसे मिलने ही नहीं देंगे। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। ये क्या सुल्तान भाई? मामा बन के मजा आ गया। पर पहले तो आपने कभी मामा का जिक्र ही नहीं किया था। अरे पगली, अभी तो मैंने तुझे कुछ बताया ही नहीं, धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्यूरी कैसी रही? को बेकाय कोट की तेरी छमक छल्लो। अरे मार तो। व्हाट द ब्लडी हेल, 10 बजे नहीं और 7वीं चोरी की रिपोर्ट। बोलिए। मैं राधा सेक्स स्टोर का मालिक मूलचंद हूँ। जब हम दुकान खोलने गया सुबह सुबह तो क्या देखता है, बाहर से ताला बंद, अंदर से माल साफ। 3 जौहरियों के ताले टूटे, 1 नॉवेल्टी स्टोर, छोटा सा रेडीमेड गारमेंट वाला, ताजदार फुटवेयर। साहेब मला ऐसा वाटते किसी चोर के घर शादी हो रही है। डोंडो आंखें देखने की तैयारी हो रही है। आपको किसी पे शक है? अरे बाबा, अपने और भगवान के सिवा सारी दुनिया पे शक है। चीफ मिनिस्टर मेरे गांव का है, यहाँ से दिल्ली का हंगामा कर दूंगा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? दिल्ली जाओ। जाऊंगा। अरे जो आता है मिनिस्टर की तलवार घुमाता आता है। ए छुरी, अच्छी छुरी, दे साथ अगर तू साथ है। साला तो छोकरन से आवाज बदल कर बोल। ए छुरी, अच्छी छुरी, दे साथ अगर तू साथ है, मैं भी औरत चाहत हूँ और तू भी औरत चाहत है। जा, सप्पा, जात नहीं, जात। डैडी, तुम चुप रहो, ये मेरा डायलॉग है, तुम्हारा नहीं। यू शट अप, ऐसा गलत डायलॉग हम नहीं सुन सकता, समझा? एक बार में मुझे कासिंदा चाक कर। अरे साला ये डायलॉग ऐसा नहीं बोलता, ऐसा बोलता है देख। एक बार में मुझे का सीना चाक कर, बिजनी है तू, काटा है ये। नहीं डैडी, ये तो केले की छाल है। चला, काटा है ये, गिर और जला कर खाक कर। औरतों के काम आना चाहिए, बंदा गिराना चाहिए, डायलॉग कंप्लीट करना चाहिए। ऑडियंस गरम थे, डायलॉग घर पे कंप्लीट करो। अरे मुंशी मेहताब जी जनाब, हो गया खाना खराब जी जनाब। चलो डैडी चलो। अरे ठहरो, रुक जाओ। अरे तुम आदर्श जूतों से डर कर भाग रहे हो? अरे सच्चे कलाकार की है यही पहचान, जितने बड़े जूते वो बने उतना महान। मैंने पालीगंज थिएटर में तुम्हारा ड्रामा विद किया है, उसका क्या होगा?
अरे हमारा क्या हो गया, ऑडियंस कितना गर्म हो गया मालूम है? एक काम करो, ये तुम्हारा ऑडिटोरियम में मिला ऑफिस में रख दो। चलो डैडी, 7 वगैरह का प्लेन पकड़ रहा हूँ, चलो बॉम्बे। चलो चलो बॉम्बे। सुल्तान भाई का डंडा। कहा बात है लल्ली? सुल्तान भाई, घबराहट के मारे मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। अरे लल्ली, तू अपने हाथ पांव से कह दे बिल्कुल मत फूल। देख, सुल्तान को जिंदगी के अंदर घबराने वाली चीज एक ही है, वो घबराहट लाल। तू अंदर जा, जा, जा ना। गजब हो गया, गजब हो गया। अरे का गजब है? अरे तेरी जोरू को मर के तो बहुत अरसा हो गया, अब कौन गजब हुआ? मजाक नहीं सुल्तान भाई, अब तो हथकड़ी पहनने का वक्त आ गया है। अबे कुछ फूटेगा भी सही मुंह से कमबख्त। अरे भाई ये कि कलकत्ते से वो पारसी दोनों सरक गए हैं और नौटंकी लाल का फोन आया कि 8:30 की फ्लाइट से यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँचेंगे। अरे दादा दादा दादा, बोलो। जे घबराहट लाल घबरा गए, इसके मुंह में कपड़ों ठोस कर इसके दोस्तों वाले कमरों में बंद कर दो। कुत्तों वाले में चलो सो जा, चलो मेरे साथ चलो। अरे चौकीदार भाई, भाग हमारे आपके चरण हमारे यहाँ पर पड़े हैं। अल्लाह कसम, कैसे धूमधाम की बारात आई है और इधर से भी कोई कमी नहीं है। ससुराल शेर है तो मायका सवा शेर और ये सब तेरे मामा के दम का जलूसा है बेटी। कामिनी, अपने संबंधियों से मिलो। ये है आनंद के पिताजी। नमस्ते। और ये है आनंद की माता जी। नमस्ते। आप तो होटल से इस तरह गायब हो गई कि अभी तक हम लोग हैरान हैं। अब तो ये धड़का लगा हुआ है कहीं लंदन या न्यूयॉर्क से फोन आए तो क्या होगा। जी मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। जे 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 तो मेरा कसूर, ये तो मेरा कसूर है। अगर मैं इनको तुरंत ही ना बुला लेता मेरे लाखों का नुकसान हो जाता। अकबर, जरा समधी जी को, समधन जी को और मोहन जी को जरा ले जाके बिठा देना। आइए। लल्ली, ये तो समधन है ना, ये जहर को पुड़िया लगे है, इससे होशियार है ना जरा। इस लड़के ने तो खूब भगाया, चट मम्मी और पट ब्याह। पोपट भाई, इस दुनिया में शरीफ आदमी बन के जीना बहुत मुश्किल काम है। दो चार मिनट के लिए तो ठीक है, मैं तो बैठ के थक गया। थक गए? अरे पीले पड़ गए हो, पीले। ए लो, एक खुराक मार दो, एक खुराक मार दो। मेरा तो एक ही बेटा है, अंजलि भी इकलौती ही है समधन जी, पर इकलौते बच्चों की शादी ब्याह के मामले में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपने तो ऊटी में अपनी हवा ही नहीं लगने दी। कोई मुझसे पूछता कि किससे रिश्ता किया है तो क्या जवाब देती? मेरा घराना तो खुली किताब है, जहां से चाहिए वहां से पढ़ लीजिए। सुहेल, दूल्हे को ले जाके वेदी पे बिठा दे और पंडित से कहना फौरन पढ़ना शुरू कर दे। इन्होंने एक पेपर फैक्ट्री डाली है और उसके बाद स्टील जी बुला रहे हैं। आओ बेटे, चले। वैसे आपका बिजनेस तो
बहुत बड़ा होगा? वो बड़ा बड़ा तो खैर कुछ नहीं, फिर भी जी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, कुछ ज्वेल्स का है। कामनी को जाके संभाल ले, दूल्हे की माँ बहुत पूछताछ कर रही है। शुक्रिया, आप बैठो। समधन जी से मिलो, आप है मिसेस लोबो, डिप्टी पुलिस कमिश्नर की मिसेस। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा हुआ आप मिल गई। क्या आप अपने हस्बैंड से कभी ये नहीं पूछती कि कंट्री की हालत क्या हो रही है? जहाँ देखो वहाँ क्राइम बढ़े जा रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, क्रिमिनल सर पे चढ़े आ रहे हैं। देखिए ना, कल ही की तो बात है, एयर इंडिया के जंबो में एक अच्छी सी लड़की रेप हो गई। वो अच्छी सी लड़की अपनी आबरू उछालती हुई जम्मो में गई क्यों? अल्लाह, लड़कियां ललचाती भी बहुत है और रेप करने में कोई खर्चा नहीं होता। हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, दिल की प्यास बुझाने बाजार में जाए तो 2 रुपए से 2 हजार तक की टिक जाती है। तो आदमी रेपिज करेगा, नहीं तो और क्या करेगा? अरे आबरूशाली कोई मटन फ्राई है जो खराब हो जाएगी? जब वो कोर्ट में ये बयान दे रही थी तो मैं क्या बताऊं, मेरा क्या हाल हुआ। अकेली औरत, भरी अदालत और ये बातें, मेरे तो कान जलने लगे, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। सीधी घर भागी और दिल ही दिल में अपने आप को डांटती फटकारती कि एक तवाब का बयान सुनने गई क्यों। नमस्ते संदन जी, इनसे मिलिए। आप हैं मिस्टर पोपटलाल जवेरी, यहाँ के बहुत बड़े ज्वेलर्स। जी हाँ, बड़ी सफाई का काम दिखाते हैं, आप कभी जेवर बनवाइएगा। एक्सक्यूज मी लोगो बहन। एक्सक्यूज मी। स्वागत में कोई कमी तो नहीं है जी? सुल्तान भाई। कब ले लिया? वो पोपटलाल समधन जी के गले का हार मार ले गया। तुम चलो, अकबर जी। जी हाँ, सच्चे हीरे हैं साहब, ये मेरे ग्रैंडफादर जमैका से लाए थे। सुनो जी, ये डंडा क्या कह रहा है? मेरा डायमंड कहाँ है? मेरा डायमंड कहाँ गुम हो गया? डार्लिंग सर, आई सब डोंट डार्लिंग मी, आई वांट माय डायमंड नेकलेस। पुलिस को फोन करो, सारे दरवाजे बंद करो। क्या कसब कर रही हो, मेहमानों से घर भरा हुआ है। आई डोंट केयर, आई वांट माय डायमंड नेकलेस। इन सब की तलाशी होनी चाहिए। जय तो आपकी बहुत ज्यादती हो लली। बहन जी, कमान है, हार भी मेरा गया और ज्यादती भी मेरी हुई। हाँ हाँ, जाती तो हो गई है, न जाने कौन हराम के जने ने आपका हार चुरा लिया हो। हाँ भाई, मेरा ख्याल है डालिंग, तुम वो हार पहन के ही नहीं आई यहाँ। देखो जी, तुम मेरी आंखों में धूल मत झोंको, 4 लाख का हार यूं ही जाने दो। बहन जी, कहीं आपका हार ये तो नहीं है? अरे हाँ, यही तो है। थैंक गॉड, मिल गया ना, पहन लो। बहन जी, बॉम मारने के पहले खीसे में तो देख लिया होता। बॉम जी, माफी चाहिए, आपको जरा सी बात के लिए परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, ठीक है, आइए। तेरी हड्डियों का सुरमा बना के तेरी बीवी की अखियों में डाल दूंगा। अरे चौकीदार भाई। श्रीमान जी, ये क्या है? मेरो डंडो। डंडो है तो मेरा डंडा, हम प्यार से डंडो कहते हैं। बात नू है,
बात यूं है कि अकबर आजम ने हमारे खानदान की एक शादी में यह डंडो दियो थो ये डंडा दिया था, तो जब भी हमारे खानदान में कोई शादी होती है तो ये डंडा अकबर आजम की याद में यहाँ रखो जाता है रखा जाता है। धन्य है, धन्य है। नहीं नहीं नहीं, डंडो है। ओ, डंडो है, डंडो है। श्यामत आ गई क्या? नहीं, संतरा है। सुल्तान भाई का जूता है ना, वो भी 14 नंबर का है। तेरे हालत में बैठ कर ना कव्वाली गाने लगेगा। तुम लोग 2 मिनट के लिए शरीफ आदमी नहीं बन सकते? और क्यों बे पोपट, तेरे खानदान में तो खुद तेरे दादा निहायत शरीफ आदमी थे। खबरदार विदाई से पहले किसी ने दारू को हाथ भी लगाया तो। अरे वो क्या बेचता है पोपट लाल जी, मैं उसे गोली मार दूंगा। एक ही गोली में अंटा गफील हो जाएगा। वैवाहिक जीवन यानी कि शादीशुदा जिंदगी अर्थात मैरिड लाइफ मर्द के आत्मा को कमजोर कर देती है। विश्वामित्र जैसे तपस्वी के किए दिए पर पानी किसने फेरा? मेनका ने। मेनका कौन थी? औरत थी। जहांगीर जैसे बादशाह को अफीम की चटनी पर किसने लगाई? नूरजहां ने। नूरजहां कौन थी? औरत। और राम को वनवास किसने दिलवाया? मैंने। मैंने आ गई, इनसे मिलिए। ये हमारे आनंद के चाचा जी हैं, मोहन जी। इनकी बहुत सी पेपर की मिल्स हैं, मैगजीनें हैं, और ये है मिस देवयानी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दबोचले लल्ली, बहुत देर से दिमाग चाट रहा है। वो लाइट मारता हूँ, माठ ही मिला, बेहोश होकर मर जाता है। पहले अंदर करके रख देना साले को। सुनिए जी, आपने कुछ खाया? मैं आपके लिए ठंडा वंडा ला दूं। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ओहो, बड़े खराब है। देखिए देवी जी, आप भी शायद औरत ही हैं। जरा दूर हटिए और मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे झगड़े की जड़ औरत होती है। महाभारत के पीछे द्रौपदी, रामायण के पीछे सीता, और मेरे पीछे आई, आई, आई। मट्टी पड़ो, क्या बात कर रहे रे? हाँ, औरतें क्या बोले थे? महाभारत लड़ो। द्रौपदी क्या बोली थी? चीरहरण करो। हाँ, सीता जी क्या खास तौर से रावण को खत लिख को बोले थे नहीं कि उनको उठा को ले जाओ वहां से? क्या है अरे बोकुड़, ये सब मर्दों की हवस है रे, मर्दों की। देवी जी, देवी जी। अरे क्या देवी जी, देवी जी बोल रहा है रे? दीदे निकाल को हाथ में दे देता हूँ। देवी जी जरा शांति से, शांति से। शरीफ घर की बहू बेटी की तरह बात कीजिए। अरे बैगन, क्या मैं तेरे को तवायफ देख रहा हूँ? हरिओम हरिओम, क्या तवायफ का नाम ले लिया आपने? अरे गिड्डे, तवायफ का नाम लेने से तेरा धर्मकंटा फूट गया क्या? तवायफ को तू क्या समझता रे? अरे नत्ते, इन्हीं की वजह से आज शहर में शराफत की दीवारें टिकी हुई हैं, समझा? अरे मैं बोलता हूँ, बुजुर्ग लोग कोई उल्लू के दुम फाख्ता थोड़ी थे। आखिर कुछ सोच समझ के ही तवायफों को शहर में बसाया होगा ना। क्या कह रही है आप, बुजुर्गों ने? अरे हाँ रे, ताकि घर के लोगों को पता चले कि शोहर और बेटा कौन से झाड़ों में जाकर अटक को मरे। सो शहर से तवायफों को बाहर निकाल दिए तो तुम्हारे शरीफ जादिया है नी, वो गुल खिलाएंगे, वो गुल खिलाएंगे कि हम तवायफ को, मेरा मतलब है कि तवायफों को शर्म आ जाएंगी, समझा रहे? माटी मिले। अरे कुटने, यही तो तवायफों का कमाल है कि कम से कम शरीफ बहू बेटियों की इज्जत तो कायम है। यू स्टूपिड ब्लडी फूल। सलाम अलैकुम। धन्य धन्य, तुम्हें मालूम है मैं पान नहीं खाता। पान छोड़िए, ये तो जनरल का मेवा है, मेवा। एक ही बीड़े में हूर नजर ना आए तो नवाब यासीन नाम नहीं। हूर? हूर सिर्फ नजर ही आएगी क्या? नहीं, इसकी खुशबू से तो खींची चली आएगी और बंध जाएगी। अरे तो बाप को क्यों खींच रहे हो, जल्दी मुंह में डाल दे। एक चक्कर समझ में नहीं आता, वो जो पासिक बाप बेटे का नौरज मिला है ना, तिकड़े धूमधाम से शादी हो रही है पर एक पन पारसी दिसत नहीं। सुल्तान भाई के चमचों की भरमार है। पोपटलाल, मैंने गोली दे दिया साले।
मैंने कर दिया अपना काम, अब देखना गोली की धूम धाम। ये क्या कर रही हो? ज्यादा पिया नहीं तो सुल्तान भाई का डंडा पड़ेगा। हाँ। अजीब बात है, गले का हार गायब, लड़की का मामा सूट पहनता है और जबान बोलता है धुरों वाली। क्या कर रहे हो? ज्यादा मत पियो वरना सुल्तान भाई का डंडा पड़ेगा। This is too much. अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो। शादी ब्याह का मामला है, तरह तरह के लोग आते हैं। हमारी तुम्हारी शादी में तुम्हारे मामा ने शराब पी होटल में मचाई थी। देखो जी, मेरे मामा को बीच में मत लाओ। जागीदार कौन है बे? जागीदार कौन है बे? हे ये यहाँ क्या हो रहा है? ये यहाँ हो रहा है क्या? हो रहा है शादी हो रही है। ये नौरोज जिला में कैसी शादी हो रही है? एक भी बार से दिखाई नहीं देता है। बात ये है साहब कि घरवाले पारसी बराती पारसियों को लेकर अधियारी गए थे। सलाम साहब, कन्या को बुलवाइए। बात पुलिस लली तुम अंजलि को ले आओ, मैं जरा काम देख के आता। एक ठीक से जवाब दे मेरी बात का। हाँ। ज्यादा हक लाएगा ना। हाँ। तो किसी लॉन्ड्री में भेज के तेरी जबान पे इस्त्री करवा दूंगा, समझा? ताकि सीधी हो जाए। बोल, यहाँ क्या चक्कर चल रहा है? बात ये है इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे पे काहे को बिगड़ते हो? कोई भी शरीफ आदमी पुलिस को देखेगा तो हक लाएगा। सही अकबर जी, तुम इंस्पेक्टर साहब को इनवाइट कार्ड नहीं दिए हो? इनवाइट कार्ड नहीं सुल्तान भाई, इनविटेशन कार्ड। जे तो मुश्किल है, जमाना अंग्रेजी को है, अंग्रेजी मुझे आती नहीं। अब आप आ गए हो तो जरा अंदर तशरीफ ले आओ। क्या है कि हमारी इकलौती भांजी की आज बारात आई हुई है। लेकिन आप यहाँ नवरोज जिला में क्या कर रहे हैं? अकबर इंस्पेक्टर साहब को अंग्रेजी को इनवाइट कार्ड दे दो, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखो है। ज्यादा उड़ो मत सुल्तान भाई, तुम्हें नवरोज विला का कब्जा कैसे मिला? कब्जों की बात करें, वो दोनों है बाप बेटे, नवरोज विला वाले दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने बोला भांजी की शादी के लिए चाहिए, उन्होंने हाँ बोल दी फौरन। लेकिन वो दोनों बाप बेटे हैं कहाँ? कलकत्ता गए मैं नाटक के लिए। नाटक के लिए बस यही पल मेरी मंजिल है अंजलि, जिसकी तलाश में मैं जिंदगी भर भटकती रही। अब जरा मुस्कुरा दो तो। कामिनी कामिनी जल्दी भागो, पुलिस आ गई है। पुलिस? लेकिन क्यों? हम लोगों को पकड़ने के वास्ते। हम तो पहले ही सुल्तान भाई से कह रहे थे कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। घबराहट लाल जी। अब घबराहट लाल जी कहने से क्या फायदा, अब चलो जेल में चक्की पीसने। चली थी बड़ी धूमधाम से बेटी ब्याहने। अरे मोर के पर लगा के कौवा मोर नहीं बन सकता। मम्मी ये कौन है और क्या बातें कर रहे हैं? मैं घबराहट लाल हूँ बिटिया, जब तक बुरे काम किए मौज किया, पहली बार शराफत करने चले तो पुलिस आ गई। शराफत तो हम लोगों को सही नहीं सकती। मगर आप हैं कौन? मैं एक रिटायर्ड चोर हूँ बिटिया, सुल्तान भाई से पेंशन पाता हूँ। सुल्तान सिंह मामा से? सुल्तान सिंह नहीं, मोहम्मद सुल्तान। मैं भागता हूँ। मम्मी
मम्मी मम्मी ये आदमी क्या कह रहा था? ठीक कह रहा था, ये मेरे पास कोई मिल नहीं है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है, सेक्रेटरीज की फौज नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तेरे लिए एक अच्छी जिंदगी खरीदने के लिए मैं चोरियां करती थी। ये घर भी मेरा नहीं है, मेरी ममता के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है बेटी। मैंने आपसे आपकी ममता के सिवा कभी कुछ मांगा? लेकिन मुझे आपकी चोरियों की कीचड़ में लुथड़ी हुई ममता नहीं चाहिए। मैं समझती थी मेरी माँ ऐसी है कि अगर उसे मंदिर में बिठा दो तो लोग उसे देवी समझकर उसकी पूजा करने लगेंगे, और आप चोर निकली। मेरे सारे बचपन को झूठ की उंगली पकड़ा हिंदुस्तान की सैर करवाती रही आप। मुझे माँ चाहिए। चोरी का ये जेवर, धोखे का ये घर, क्या आगे बढ़कर प्यार से मेरा माथा चूम सकता है? I hate you, mommy. I hate you. मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी आपको। जाइए आनंद से कहिए कि वो बारात वापस ले जाए। मैं इस लायक नहीं हूँ कि उसके घर में पाँव रखूं। ए बस करो धिया, बहुत बोल ली। अब बोली तो दूंगी, वो चटकना के मुंह फिर जाएगा। इसे कुछ मत कहो जेबुन, ये ठीक ही तो कह रही है। चोर तो मैं हूं ही, अपनी इकलौती बेटी को धोखे में तो मैंने रखा ना। तू कह ले बेटी, जो जी चाहे कह ले। अब कहने को रह क्या गया है मम्मी? हटाइए ये शादी ब्याह का चक्कर। मैं चोरियों के सपनों पर जीना नहीं चाहती। मैं अब किसी की पत्नी, किसी की मां बनने के लायक नहीं रह गई। मुझे ये चोरी सिखाइए, मुझे भी अपनी तरह चोर बनाइए कि आपकी दुनिया के लोग आपकी तारीफ तो कर सके कि वाह क्या पाला है बेटी को, क्या तालीम दी है। जी कन्या के गुलाम है लल्ली, पंडित जी बुला रहे हैं। लल्ली बात यह है मिस्टर मोहम्मद सुल्तान कि ये शादी नहीं होगी। ये शादी तो होगी लल्ली की लल्ली, इस वास्ते के मोह मोहम्मद सुल्तान बल्द मोहम्मद एहसान तेरो अम्मी को जवान दियो हो। इस भगत तू गुस्से में हो, अक्कल मारो गई है तेरी, और हम तुझे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि तू लल्ली की लल्ली हो। और सुन, ये ब्याह ना भयो तुम वो आनंद लल्ला की मुंडी काट कर दरवाजों में टांग दूंगा। मतलब तुम आनंद को? हाँ, तुम नहीं लल्ली की लल्ली, आप आनंद को मार डालेंगे? पर नहीं पड़ेगा। एक बड़े मजे का किस्सा सुनाता हूँ तुझे। मेरे दादा की बहन की बारात आई, अब बरातियों ने दहेज पर दो लपट ज्यादा बोल दिए। मेरे दादा को आगे गुस्सो डंडो दिखला दियो, दूल्हा समेत सारे बराती अल्लाह को प्यारे हो गए। दादा चढ़ गए फांसी, और मेरे बाप मुझे यहां लेके आ गया, और ये नया धंधा शुरू हो गया। अब बोल लल्ली की लल्ली। मैं आनंद को सब कुछ बताए बिना उससे शादी नहीं कर सकती। जय तो हुई इंसाफ की बात। अरे अकबर,
चला जाके आनंद लल्ला को बुला दे, लेकिन ध्यान रखना किसी बाराती से उठवाना ताकि शक ना पड़े। आनंद को कहाँ ले गए? अरे भाई होगी कोई बात? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। तुम्हें तो हमेशा काला नजर आता है। Anything serious? No problem? Mr. Mohammed Sultan, क्या आप मेहरबानी करकर मम्मी को लेकर बाहर चले जाएंगे? मिस्टर, ये तो तुम्हारा मामा है। This too much, yeah. ये मेरे मामा वामा कुछ नहीं है, ये तेरे मामा है। आइए सुल्तान भाई। क्या चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है आनंद, मुझे आज अपनी हकीकत का पता चला, अभी इत्तेफाक से। मेरी मम्मी कोई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, वो चोर है, वो चोर है आनंद, वो चोर है। और नीचे जो लोग शरीफ बने बैठे हैं वो यहाँ के चोर चक्के हैं, दलाल हैं, बंबई की तबाही पे हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ आनंद, तुम ये बारात वापस ले जा और कोई शरीफ लड़की ढूंढकर उसके साथ शादी कर। वंडरफुल, वंडरफुल डाला। ये लिखा किसने? प्लीज आनंद, पल भर के लिए तो सीरियस हो जा। ओके, अब मेरे एक बात का जवाब दो। तुम्हारी मम्मी चोर है ना? इन चीज इन गुड कंपनी है। अब कोई भी दिन का पेपर उठाकर देख लो, किसी ना किसी बड़े आदमी पर या किसी कंपनी की चोरियों पर कमीशन बढ़ते रहते। अरे बड़े बड़े मुल्क छोटे छोटे मुल्कों की आजादी चुराते रहते डाले, ये तो चोरियों का युग है। आनंद प्लीज। अंजलि, मोहब्बत में आस पड़ोस वालों का नाम पता पेशा पूछा नहीं जाता। नीचे जो लोग हैं उनमें से कोई मेरी होने वाली बीवी नहीं है, और नहीं मैं तुम्हारी मां की चोरियों से शादी करने आया हूं, मैं उनकी बेटी से शादी करने आया हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। That's final. ठीक है आनंद, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये शादी कर लूंगी, मगर याद रखना मैं मम्मी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नीचे बजाते हैं और तू ऊपर देखता है, दरवाजा खोल, हमको नहीं बोलता है, अपने मालिक को। डैडी, उसका स्क्रू ढीला लगता है। I shall tighten his screw. नहीं नहीं डैडी नहीं, तुम तुम्हारा ब्लड प्रेशर नीचे रखो, नीचे नीचे। ठीक है डैडी, इधर तो किसका शादी होता है? शादी? ये बंगले में तो सिर्फ हम रोज है, तो फिर शादी किसका? हम इसको पूछता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो तो पियला है, हम उसको पूछेगा। भगवान बोलो जी। अरे सुन, बोलो जी, बोलो जी, दरवाजा खोलो जी। नहीं जी। क्यों, चाबी गुम हो गया? मालिक का हुक्म है, दरवाजा बंद। मालिक? फिर मालिक? तुम हमारे सामने सारा मालिक मालिक कह गए? अरे गदड़ा, हम तुम्हारा मालिक है। चुप। सारा तुम लोग पीला है, तुम्हारा सूरत है हमारा मालिक बनने का। आई शाल किल यू। डैडी नीचे। डैडी शट अप, मैं तुम्हारा जान लूंगा। डैडी नीचे, आपको नहीं, ब्लड प्रेशर। आई शाल किल यू, मैं तुम्हारा जान लूंगा। अरे कैसे जान से मारेगा, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं।
डैडी अब किधर जाएगा? अरे किधर क्या जाएगा, सबका अपने बंगले में जाएगा। पर बंगले में कैसा जाएगा? अरे कैसा क्या जाएगा, कैसा भी करके। ओम समूर्ति इसमूर्ति यज्ञो यंत्रे तेन यज्ञ यजन तेन सर्वमेव प्रतिष्ठां भवतु पतेन भूपा। बाप बेटे दोनों आ गए। ये बोलता है हम इसका मालिक नहीं है और ये भी बोलता है कि घर हमारा नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब आप अभी तक यहीं खड़े हो? ये मोटा कौन है? खुद तो बहुत कश्मीर की कली हो ना। चौकीदार हा? ये लोग कौन है? ये दोनों कहते हैं इस बंगले के मालिक हम हैं। ये हाँ ये दोनों। हम सोना बिरानी इस बंगले का मालिक अने ये मेरा बेटा डोरा बिरानी। अरे हूँ तारो बाप छू अने तू मारो बेटो इडियट साधो। पहले इस बात को फैसलो कर लो कि बाप कौन बेटो कौन, उसके बाद इस बात को फैसलो करो कि ये बंगलो किसको है। इंस्पेक्टर साहब जरा अंदर आइए। तुम लोग यही ठहरो। अरे यही ठहरो। सुना नहीं थामो। ये तुम क्या चक्कर चला रहे हो मोहम्मद सुल्तान? साहब इंस्पेक्टर साहब हम कोई चक्कर नहीं चला रहे। देखिए हम बहुत बुरे आदमी हैं, अपनी कोई सफाई पेश नहीं करेंगे। हम बुरे आदमी हैं, जिंदगी भर सब बुरे काम किए हैं। ये हफ्ते में जितनी चोरी हुई ना सब चोरी हम किए हैं। हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं। आपको गवाह सबूत कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात साहब जिंदगी में पहली बार हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारी मुंह बोली बहन के लल्ली की शादी है, एक बार उनकी डोली उठ जाए उसके बाद तुम हमको धर लो, हम सबको धर लो। लेकिन सुल्तान देखिए हमारी बात सुनिए, दो घंटे का सवाल है, इन दोनों को दो घंटे के लिए फंसा को रखो। साहब आप हमारी जगह आ जाओ और ये टोपो है ना ये उतार को सोचो, जबरदस्ती भूल को सोचो। साहब ये इंस्पेक्टर मोटे के साथ क्या बात करता है? साला वो घुस मांगता होगा। यदि इंस्पेक्टर बाहर आता है चलो चलो। अरे अंदर किधर घुस जा रहे हो? इंस्पेक्टर हम घुसता नहीं, हमारा खुद का घर में अंदर जाता है। अंदर ऐसे कैसे जाएगा? पहले हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, FIR लिखो, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ हमको इंग्लिश मालूम है। Then sit in the jeep। क्या बोला? अरे अगर इतनी अंग्रेजी आती है तो सारी अकल यहीं क्यों खर्च करना चाहते हो? ठीक है अंदर घर में जाएगा। अरे घर में फिर जाएगा, चलो पुलिस स्टेशन। हमको सोना मीरा ने को साला तुमको मोटे से खुश लिया है। क्या तुम हमको साला बोला? अरे हम तुम्हारा साला है, हम तुम पे डिफेमेशन का केस करेगा। इंस्पेक्टर तुम गरम मत हो जाओ। डैडी है नहीं, डैडी एक्साइट हो गया है। अरे एक्साइट होने का ये मतलब थोड़ा है कि मेरी बहन की इनसे शादी हो गई। एक दिन शरीफ आदमी के मकान में घुस के ऊपर से कहते हाँ ऑफकोर्स वो बंगला हमारा है, इसीलिए वहां का चौकीदार आपको पहचानने से इनकार कर रहा था। आपके पास क्या प्रूफ है कि बंगला आपका है? इतना रात को प्रूफ किधर से लाएगा? ठीक है सुबह प्रूफ ले आना, घर खाली करवा दूंगा। फिर वही बात, सुबह तक हम इस पुलिस स्टेशन में रहेंगे। तुम साला वो मोटे से, हम साला नहीं बोला। अरे बोला कैसे नहीं, हमने खुद सुना। बराबर है बोला लेकिन तुमको नहीं बोला, उसको बोला। हाँ खुद को बोला। इंस्पेक्टर प्लीज हमारे सॉलिसिटर को बुलाओ। सॉलिसिटर क्या नाम है? सोना बिरानी। सपा मारो नाम नहीं, सॉलिसिटर नाम। सॉलिसिटर नाम पलखी वाला पेस्टन जी और मस्जिद पलखी वाला। लेकिन वो तो इस वक्त सो रहे होंगे। बराबर है सो रहे होंगे, तो फोन करो, फोन का घंटी सुन के जान जाएंगे। और अगर नहीं जागे तो? देखो भाई मैं इतने बड़े वकील को इतनी रात के फोन नहीं करने वाला। फोन नहीं करने वाला है? बिल्कुल। आपका चौकस खैत्री फोन नहीं करने वाला है, तो चलो उठो हम लोग को उसका घर लेके जाओ। सरकारी गाड़ी में पेट्रोल मेरा बाप डलवाएगा? नहीं मेरा बाप डलवाएगा। सब पहुंचे चक्कर
कैसे चक्कर? औरत जिला में शादी का चक्कर, उस शादी में घपला है ये गोल्डन चैनल से सेठ अपन, उस दिन का बदला आज जरूर लेगा। देखो हम उस गुंडे से कोई लफड़ा नहीं मांगता। अरे सेठ तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, अपन तो वहां खाली बम मारेंगे के शादी झूठा है, बस सुल्तान भाई की इज्जत पानी में क्या। तो फिर ठीक है। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, दो गाड़ी भर के गुंडे आए हैं, वो कहते हैं शादी में गुलमाल है, वो दरवाजा तोड़ रहे हैं। बैंड मास्टर तुम उधर बैंड बजाओ, मैं उधर बजा के आता हूं। अरे मेरो डंडो। भाई बचपन से तेरी जवानी तक यही सोचती आई कि जब तेरा ब्याह होगा और बाबुल गाया जाएगा तो खूब रोऊंगी, पर अब नहीं रोऊंगी। जो कुछ भी मेरे पास था तुझे दे दिया, जो मेरे पास नहीं था वो भी दे दिया। अब मेरे पास मेरे आंसुओं के सिवा कुछ रह भी नहीं गया है। ये आंसू नहीं दूंगी मैं, इन्हें मैं अपने लिए बचा रही हूं। तेरे जाने के बाद जब सन्नाटा हो जाएगा और उस सन्नाटे में तू याद आएगी, याद आएगी, तो आंसुओं बिना क्या करूंगी मैं।
और समाज बन के तो तूने अपनी माँ को देख लिया। अब जाते जाते फिर से बेटी बन जा, तब शायद तुझे वो माँ नजर आए जो बेबस थी, मजबूर थी, अकेली थी, पर माँ थी। मैं तो अब तेरे पांव छूकर तुझसे माफी मांग लूं, तो बोल, तेरे पांव छू मैं या तू मेरे गले लगेगी? मम्मी गले, मेरे हर जन्म में तुम मेरे मम्मी के रूप में मिलती रहना। जा बेटी, साथियों चल के कामनी लल्ली को ले आते हैं, बाकी चकल्ला जेल में ही करेंगे। हाँ चलो। मैंने तो पहले ही कहा था अब सबको जेल जाना पड़ेगा। चलो। अरे अकबर मियाँ, तुम्हारा सुल्तान भाई का डंडा आपको जेल से बचाएगा तो मानेगा तुमको? सुल्तान भाई ये सब जेल जाएंगे तुम्हारे मेरे। लली, जाने में इतनी जल्दी को क्या जरूरत थी बहना? अब तेरा सुल्तान भाई अंजलि से क्या जवाब देगा?